Hello students, a very good morning to all of you. So today, I am Nishi from Topwers Academy is again presenting a very special video in front of you. पिछली वीडियो में हमने बात की थी उन बच्चों के लिए या फिर उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अभी 10th के एग्ज़ाम दे चुके हैं और अभी 11th में वो आने वाले हैं. आज की ये जो वीडियो है ये स्पेशली उनके लिए है जिन बच्चों ने अपने 11th स्टैंडर्ड में चूज़ किया है बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. It means they are preparing themselves for NEET exam, right? NEET exams की importance आपको भी पता है कि क्या है NEET exam. It is for medical courses like MBBS, BDS and all, right? तो क्या strategy होनी चाहिए NEET exam की journey को prepare करने के लिए, वो आज हम बात करेंगे इस video में. तो पहले मैं बात करूँगी regularity. Regularity से मेरा मतलब है consistency. बच्चे को डिसिप्लिन होना पड़ेगा, डेली की डेली क्लासेस लेनी पड़ेंगी, वेदर यू आर गोइंग फॉर ऑफलाइन क्लासेस और वेदर यू आर गोइंग फॉर ऑनलाइन क्लासेस. अगर ऑफलाइन जा रहे हो तो डेली जाओ. ऑनलाइन की अगर मैं बात करूँ तो डेली लाइव क्लासेस अटेंड करो, नॉट द रिकॉर्डिंग्स. रिकॉर्डिंग्स तो आपको मिलेंगी ही, बट लाइव क्लासेस में जो मज़ा है वो रिकॉर्डिंग्स में आपको नहीं मिलेगा. सेकेंड है हमारा होमवर्क. टीचर्स जो भी आपको होमवर्क दे, जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाने के बाद होमवर्क दे, प्रैक्टिस के लिए कुछ भी क्वेश्चन पेपर्स दे, डीपीपी दे, जस्ट सॉल्व इट. कोई डाउट आता है टीचर से पूछो आके. थर्ड है हमारा ओन नोट्स. अपने नोट्स खुद बनाओ. बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि मैम हमें टॉपर्स नोट्स चाहिए. कोई किसी ने पिछले साल टॉप किया है तो उसने अगर अपनी स्ट्रैटेजी बता दी है कि मेरे ये नोट्स थे तो मुझे वैसे बनाने नहीं, खुद के नोट्स बनाओ. जो जो टीचर पढ़ाते जा रहे हैं खुद जब लिखोगे, खुद जब पढ़ के उन्हें के नोट्स बनाओगे अपने लिए, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे तुम लोगों के लिए. फिर हम बात करेंगे डीपीपी मॉड्यूल या फिर द किंग ऑफ नीट एग्ज़ाम विच इज़ कॉल्ड एनसीईआरटी. ठीक है, डीपीपी आपके हो गए डेली प्रैक्टिस पेपर्स जो आप करोगे, जो टीचर्स आपको देंगे. थ्योरिटिकल पार्ट पढ़ने के बाद आपकी बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की. कोई भी क्वेश्चंस आ जाए, आपका थ्योरेटिकल पार्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व करने की क्षमता रखते हो. डीपीपी इज़ फॉर दैट मॉड्यूल एंड एनसीईआरटी स्पेशली, दैट आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू. लास्ट हमारा आता है एक आप कीजिए डेवलप आ स्टडी प्लान. एक स्टडी प्लानर बनाइए अपना. हर सब्जेक्ट को कितना कितना हमें टाइम देना है, हर सब्जेक्ट पर कितना कितना हमें फोकस करना है, वो सब आपको करना होगा. अब हम बताते हैं कि सब्जेक्ट जो मेन है हमारा बायो, विच इज़ द हीरो ऑफ नीट एग्ज़ाम, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है नीट एग्ज़ाम में. ठीक है, आपको भी पता है, अगर किसी को नहीं पता है मैं थोड़ा सा बदब्रीफ कर देती हूँ. नीट का जो एग्ज़ाम होता है आपका टोटल आपका 720 मार्क्स का होता है, जिसमें से 360 मार्क्स की आपकी होती है बायोलॉजी. इसको आप डिवाइड करोगे तो आधा आपका जूलॉजिकल पार्ट और दूसरा आपका हो गया बॉटनी पार्ट. ठीक है, तो आपका सिलेक्शन निर्भर करता है बायो पे. अगर आपने बायो अच्छे से पढ़ी, अब आप खुद सोच लो गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए आपको अबव 600 चाहिए, उसमें से 360 तो बायो ही लेके जा रहा है. अगर बायो भी अच्छे से कर लोगे तो ऑब्वियसली फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा तो करोगे ना, यू विल क्रैक इट नो डाउट. तो बायो को इस तरीके से पढ़ो कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े. बायो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपकी रैंक बढ़ा सकता है. बायो इज़ अ हीरो, आई इन्फॉर्म्ड यू अर्लियर ऑल्सो, राइट. तो इसमें हमें क्या करना है, पहले एनसीईआरटी, इसके लिए हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना है सबसे पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास नोट्स बनाओ इसमें अपने खुद के, जो मैंने पहले भी बोला कि अपने खुद के नोट्स बनाओ. ठीक है, रिलेवेंट स्टडी. रिलेवेंट स्टडी से मतलब है कि बायो में रिलेवेंट स्टडी का मतलब होता है कि बायो आपका पता है बहुत ज़्यादा ही आपका वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं. रिलेवेंट स्टडी करो, फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है. क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है खुद जानो. बायो को ज़्यादा टाइम दे दोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को ध्यान टाइम नहीं दे पाओगे बिल्कुल भी. तो रेलेवेंट स्टडी करो बायो में, क्या हमें पढ़ना है क्या हमें नहीं पढ़ना है. फालतू चीज़ें पढ़ोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो टाइम है वो तुम नहीं दे पाओगे. तो रेलेवेंट स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस. फिर है आपका टेस्ट एनालिसिस. दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ प्रिपरेशन. बिना टेस्ट दिए, बिना खुद की कमियों को जाने आप
अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपकी गलतियाँ कहाँ हैं, आप खुद को ठीक नहीं कर सकते। टेस्ट तो आपको देने ही हैं, वेदर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो ऑफलाइन ऑनलाइन, टेस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट। कोई भी टॉपिक अगर कंप्लीट हो गया है उसके बाद किस कुछ भी सोर्स मिले वहाँ से क्वेश्चन उठाओ और करो। कोई भी क्वेश्चंस बचना नहीं चाहिए, ना कोई बुक्स बचनी चाहिए कि अगर एक टॉपिक को इस तरीके से पढ़ लो, इतने अच्छे से पढ़ लो, इतने अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि कहीं से भी वो क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें आना चाहिए, कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। जब पढ़ो भी दोबारा तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े उस पर, ठीक है। फिर आपका आता है कंसिस्टेंसी, इसमें भी आपको कंसिस्टेंसी बढ़ानी पड़ेगी अपनी, कि किस तरीके से हमें धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी। पहले क्या होता है, बच्चे अगर स्टार्टिंग में क्लासेस में करने आते हैं, एक हफ्ता तो बहुत अच्छे अच्छे चलता है, धीरे धीरे बोलते कर लेंगे, फिर क्लासेस मिस करने लगते हैं अपनी वो, ठीक है। अब क्लासेस मिस कर रहे हैं तो बैकलॉग स्टार्ट हो गए उनके, आज एक क्लास छोड़ दी, कल परसों वाली जो क्लास होगी वो अटेंड करेंगे, कल वाली तो छूट ही गई, अभी कल वाली को पूरा करने के चक्कर में आगे वाली वो फिर छोड़ दी उन्होंने। तो आपने बैकलॉग्स नहीं रखने हैं, डेली के डेली क्लासेस करनी है, स्टेबिलिटी बढ़ानी है अपनी, और अपनी जो डिसिप्लिन है उस पर आपको वर्क करना है, ठीक है। फिर आपका आता है मल्टीपल स्ट्रैटेजी, यू विल नॉट गो फॉर मल्टीपल स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो। 10 अगर कोई टॉपर्स हैं वो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी अगर बता रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, इधर से भी ले लिया उधर से भी ले लिया, नहीं, एक खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ, मुझे ऐसे वर्क करना है। और जो टाइम ड्यूरेशन है, चाहे आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आपके पास फाउंडेशन कोर्स है कोई भी 2 साल का नीट के लिए, स्ट्रैटेजी एक ही रखो, कोई चेंजेस नहीं चाहिए उसमें। फिर हमारा आता है कि ये क्वेश्चन स्पेशली इसलिए लिखा गया है कि लाइफ आफ्टर क्रैकिंग नीट एग्ज़ाम, आपको भी पता है नीट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपकी लाइफ कैसी होने वाली है। देखो, ये प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें आपकी जो लर्निंग है वो कभी रुकेगी नहीं, आप कभी पढ़ना नहीं छोड़ोगे, आप कभी सीखना नहीं छोड़ोगे। और ये भी पता है कि अगर ये क्वेश्चन मैं पहले लिखती तो शायद आप ना समझ पाते, इसलिए ये लास्ट में लिखा गया है कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, 1 साल 2 साल अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ड्रॉपर बैच जो भी आप ज्वाइन करोगे या फाउंडेशन कोर्स जो बच्चे ज्वाइन करेंगे 11th 12th और नीट के लिए, उन्हें पता है ये स्ट्रैटेजीज अगर आप सारी फॉलो करोगे तो उसके बाद लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है। एक तरीके से एक हैवॉक बना रखा है कि नीट एग्ज़ाम बहुत ही टफ एग्ज़ाम है, नहीं, इट्स एन ईजी एग्ज़ाम टिल नाउ, राइट। सो वर्क करते रहिए अपनी स्ट्रैटेजीज पर, अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। एंड अगर मैं टॉपर्स अकेडमी, अपनी अकेडमी की बात करूँ, तो हमने भी एक नीट एग्ज़ाम के लिए नेक्स्ट 2024 को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं एक बैच स्टार्ट कर चुके हैं, विच इज़ कॉल्ड निश्चय 2024 स्टार्ट हो चुका है। जितना जल्दी हो सके यू कैन ज्वाइन अस एंड वी कैन मेक अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।